अगर चार्ट में लाइन अबब अब है इसका मतलब टी महंगा है और चार्ट में कोई पर्टिकुलर लाइन नीचे है इसका मतलब टी सी चीपेस्ट है और ऐसे बार हमें क्या चाहिए चीपेस्ट टी वाली व्हीकल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशियेटिव हैं ये हम लोग वन बाई वन देखते हैं सबसे पहले फेम इंडिया इनिशिएटिव वेरी फेमस हर एक कैटेगरी में लाइक टू व्हीलर है थ्री व्हीलर है फोर व्हीलर की कैटेगरी है इसमें कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं आप किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदते हैं तो आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है नमस्कार दोस्तों दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इसमें हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक वहीकल सस्ते हैं या महंगे हैं फिर हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या हैं ई सेक्टर में और ये भी देखेंगे कि आपको अगर इलेक्ट्रिक वहीकल सेक्टर में एंट्री लेनी है तो इसके लिए आपको कोर्सेज कौन कौन से करने चाहिए ठीक है सबसे पहले समझते हैं टी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अगर आप देखें तो टोटल कॉस्ट ऑफ़ ओनरशिप का मतलब है जो इनिशियल परचेज प्राइस है कार का या इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लस उसमें जो मोटर टैक्स होगा प्लस उसमें जो फ्यूल कॉस्ट आप यूज़ करेंगे जब भी आप फ्यूल की रिफिलिंग कराएंगे तो उसका कॉस्ट आएगा उसको भी जोड़ लेते हैं फिर डेप्रीसीन कॉस्ट आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या नॉर्मली व्हीकल को यूज़ करते हो तो हर साल उसका कुछ ना कुछ डेप्रीसीन होता है तो उस कॉस्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं प्लस इंश्योरेंस कॉस्ट आप जब भी आ, हर साल आप इंश्योरेंस भी लेते हो इंश्योरेंस को रिन्यू कराते हो तो उसका जो कॉस्ट आता है उसे भी इंक्लूड करते हैं टी में और प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट सिक्स मंथ्स या वन ईयर के गैप पर आपको सर्विसिंग uh, करानी पड़ती है कार की तो उसके जो चार्जेज हैं वो मेंटेनेंस कॉस्ट में आते हैं उसे भी टी में इंक्लूड करते हैं ओके सो वाई टी सी ओ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ दी फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द व्हीकल ओनरशिप बियॉन्ड द इनिशियल परचेज प्राइस तो इनिशियल परचेज प्राइस जो आप गाड़ी ख़रीदते हैं उसके बाद जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उन सब को इंक्लूड करने के बाद जो टी है उसे एक हमें रफ़ आइडिया मिल जाता है कि हमें पर किलोमीटर कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं अब यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट है जिसमें टी मतलब कितने रुपीस पर किलोमीटर आपको अपनी गाड़ी पर खर्चा करना पड़ रहा है सो टी सी यू वर्सेज़ होल्डिंग पीरियड इन ईयर्स इसका एक चार्ट आपके सामने है और ये जो चार्ट है ये टू व्हीलर्स का है जिसमें टू व्हीलर्स में भी थ्री कैटेगरीज़ हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लो कॉस्ट टाइप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हाई कॉस्ट टाइप एंड पेट्रोल टू व्हीलर इसमें कंसिड्रेशन क्या है कि एवरेज डेली ट्रैवल डिस्टेंस मतलब हर दिन जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं आप अपने टू व्हीलर से कितना ट्रैवल कर रहे हैं ट्वेंटी किलोमीटर लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की जो बैटरी कैपेसिटी है उसे कितना कंसिडर किया गया है वन पॉइंट सेवन सेवन फाइव किलो वाट आवर हाई कॉस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में जो बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है टू पॉइंट फोर फाइव किलो वाट आवर अब इसी कंसिड्रेशन के साथ ये चार्ट ड्रॉ किया गया है तो ये येल्लो लाइन है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लो कॉस्ट के लिए ग्रीन लाइन इज़ फॉर हाई कॉस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एंड रेड लाइन और रेड चार्ट इज फॉर पेट्रोल टू व्हीलर ओके अब अगर इसमें आप कॉम्पेयर करें तो ग्रीन वाली लाइन ऑलवेज अबब है अगर चार्ट में लाइन अबब अब है इसका मतलब टी सी ओ महंगा है और चार्ट में कोई पर्टिकुलर लाइन नीचे है इसका मतलब टी सी ओ चिपेस्ट है और ऐसे बार हमें क्या चाहिए चीपेस्ट टी सी ओ वाली व्हीकल चाहिए अगर आप देखें तो इस चार्ट में कौन सी लाइन सबसे नीचे है येल्लो वाली लाइन सबसे नीचे है और यल्लो वाली लाइन किसके लिए है दोस्तों लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए इसका मतलब कि अगर आप इनिशियली देखें तो रेड वाली लाइन सबसे नीचे है इसका मतलब इनिशियली जो आ, टू व्हीलर पेट्रोल फ्यूल वाला है वो लोएस्ट कॉस्ट का पड़ेगा बट अगर आप इसे ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स आप यूज़ करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली टू टू थ्री ईयर्स के बाद ये जो येल्लो लाइन है रेड वाले को क्रॉस कर रही है और रेड के नीचे आ रही है मतलब आफ्टर टू टू थ्री ईयर्स चीपेस्ट टी सी ओ दोस्तों किसका होगा येल्लो वाली लाइन का मतलब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो लो कॉस्ट वाले हैं मतलब जिसकी बैटरी कैपेसिटी वन पॉइंट सेवन फाइव वाट किलो वॉट आवर से नीचे है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट चार्ट है जिसमें फोर व्हीलर्स का कॉम्पेरिजन है यहाँ जो फोर व्हीलर्स का कॉम्पेरिजन है इसमें कंसिड्रेशन है एवरेज डेली ट्रैवल डिस्टेंस कितना है 35 फाइव किलोमीटर्स का मतलब आप अपनी जो फोर व्हीलर है प्राइवेट फोर व्हीलर आप 35 फाइव किलोमीटर्स हर दिन चला रहे हैं और जो कॉमर्शियल फोर व्हीलर है उसे कितना ड्राइव किया जा रहा है 190 नाइन्टी किलोमीटर्स डेली ड्राइव किया जा रहा है अच्छा इसमें कॉमर्शियल फोर व्हीलर जो कि सब्सिडी के साथ कंसिडर किए गए हैं उनके लिए कौन सा कलर यूज़ किया जा रहा है येलो कलर एंड ब्लू कलर इज़ फॉर प्राइवेट फोर व्हीलर विदाउट सब्सिडी अब इसमें हम लोग देखते हैं कि फोर व्हीलर की कैटेगरी में मतलब अगर आप कार्स सोच रहे हैं कि खरीदें तो फोर व्हीलर की कैटेगरी में आ, किस वेरिएंट के लिए जाना चाहिए ओके यहाँ पर फोर वेरिएंट्स का कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक कार फिर इसके बाद सीएनजी कार इसके बाद देखें तो पेट्रोल कार इसके बाद देखें तो डीजल कार इसमें याद रखिए येल्लो वाला बार और चार्ट किसके लिए है फॉर कॉमर्शियल फोर व्हीलर जिसे आप हर दिन कितना चला रहे हैं वन किलोमीटर और ब्लू वाला चार्ट ये किसके लिए है दिस इज फॉर प्राइवेट फोर व्हीलर जो आप हर दिन थर्टी फाइव किलोमीटर चला रहे हैं ओके okay, यहाँ जो ग्राफ है इसमें आ, <coughs> ये टी का ग्राफ है और डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट्स के अकॉर्डिंग ओके okay? तो अब अगर आप देखें तो इस ग्राफ में ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस है इस पर टी सी यू है तो टी सी ओ चिपेस्ट होने का मतलब ये जो बार है इसका साइज़ स्मॉल होना चाहिए ओके okay? तो ब्लू वाले बार्स में देखते हैं स्मॉलेस्ट बार किधर है क्योंकि ये पर रुपीज़ पर किलोमीटर कितने रुपीज़ खर्च हो रहे हैं ये आपको बताएगा तो ब्लू वाले बार्स में सी एन जी कार इसका जो पार है ये स्मॉलेस्ट लेंथ का है मतलब 12.43 पॉइंट पर किलोमीटर आपको किधर खर्च करने होते हैं सी वाली कार में जब आप हर दिन कितना चला रहे हैं 35 किलोमीटर और इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन सा पड़ेगा इलेक्ट्रिक कार मतलब अगर हर दिन आप 35 फाइव किलोमीटर अपनी गाड़ी चला रहे हैं उसमें भी इलेक्ट्रिक कार है तो आपको पर किलोमीटर कितना पे करना पड़ता है ऑन एंड एवरेज सेवेंटीन पॉइंट फाइव फाइव रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है ओके okay? इसका मतलब 35 फाइव किलोमीटर्स एवरेज डेली ट्रेवल डिस्टेंस है तो इसमें सबसे महंगी कौन सी कार पड़ेगी इलेक्ट्रिक कार पड़ेगी और सबसे सस्ती कार कौन सी पड़ेगी सी कार पड़ेगी अच्छा यही कॉम्पेरिजन अगर आप कॉमर्शियल फोर व्हीलर के लिए करें जिसमें एवरेज डेली ट्रैवल डिस्टेंस कितना है दोस्तों 190 किलोमीटर तो इसमें येल्लो वाले ग्राफ को देखना है क्योंकि ये जो येल्लो वाला चार्ट है ये किसके लिए है कॉमर्शियल फोर व्हीलर के लिए है इसमें आप देखें इसमें जो स्मॉलेस्ट लेंथ का बार है येल्लो कलर का वो किस में है अगेन सी में है मतलब आपने एक कॉमर्शियल व्हीकल परचेज किया है फोर व्हीलर ठीक है और हर दिन आप 190 किलोमीटर चला रहे हैं तो भी सी कार चीपेस्ट पड़ेगी ठीक है सी एन जी चीपेस्ट कौन सा पड़ेगा इलेक्ट्रिक कार अब सी एन जी में देखिए तो थ्री पॉइंट वन रुपीज़ पर किलोमीटर आपको पे करना पड़ रहा है और इलेक्ट्रिक कार में आपको कितना पे करना पड़ रहा? रहा है थ्री पॉइंट वन थ्री रुपीज़ पे करना पड़ रहा है अप्रोक्सीमेटली ये कह सकते हैं कि दोनों में खर्चा सेम है लेकिन अगर इन दोनों में भी बोला जाए कि सबसे सस्ता कौन है तो आप क्या कहेंगे सी वाली कार चीपेस्ट पड़ेगी क्योंकि इसका टी सी ओ चीपेस्ट है क्योंकि इसमें 3.1 पॉइंट वन रुपीज पर किलोमीटर आपको पे करना पड़ रहा है और एवरेज डेली ट्रैवल डिस्टेंस कॉमर्शियल कार में हमने कितना कंसिडर कर रखा है 190 किलोमीटर पर डे कंसिडर कर रखा है <coughs> अब इसके बाद कॉम्पेरिजन है आ, फोर व्हीलर्स का वाइज, ओके टी सी ओ वर्सेज व्हीकिल होल्डिंग पीरियड तो टी सी ओ वन सेकेंड रुपीज पर किलोमीटर में है वहीकिल होल्डिंग पीरियड ईयरस में है यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कॉम्पेरिजन ऑफ ईयर वाइज टी सी ओ पर किलोमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार विथ दैट ऑफ एन आई सी ई मॉडल आई सी मॉडल का मतलब है आई सी इंजन मॉडल विथ डिफरेंट फ्यूल ऑप्शन फॉर एन एवरेस्ट डेली ट्रेवल ऑफ 190 किलोमीटर ओके okay? मतलब हर दिन अगर आप अपनी आ, फोर व्हीलर को 190 किलोमीटर चला रहे हैं तो उसका टी सी ओ होल्डिंग पीरियड के अगेंस्ट इसमें सबसे नीचे किस कलर का ग्राफ है ऑरेंज कलर का ग्राफ है इसका मतलब ऑरेंज कलर वाली लाइन चीपेस्ट टी सी ओ को रिप्रेजेंट कर रही है और ऑरेंज कलर की लाइन किसके लिए है सी एन जी कार के लिए है मतलब राइट फ्रॉम दी बिगनिंग ऑल्सो और आप कितने भी साल तक उस कार को होल्ड करें दोनों ही केसेस में चीपेस्ट कार कौन सी पड़ती है सी ही पड़ती है सी <coughs> के बाद अगर देखें नेक्स्ट चीपर कार कौन सी पड़ेगी इलेक्ट्रिक uh, कार पड़ेगी कॉमर्शियल कार तो इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल कार ये सी के बाद चीपर पड़ेगी बट ये चीपर तब है जब आप हर दिन अपने कॉमर्शियल कार को 190 किलोमीटर uh, चला रहे हैं ठीक है जो अदर वर्जन्स हैं लाइक ब्लू कलर ब्लू कलर इज़ फॉर इलेक्ट्रिक कार जो कि प्राइवेट है ओके okay? फिर रेड और जो येलो कलर्स से मतलब पेट्रोल और डीजल कार है ये जो अदर वेरिएंट्स हैं ये महंगे पड़ेंगे अच्छा इसके बाद uh, हर एक कैटेगरी में लाइक टू व्हीलर है थ्री व्हीलर है फोर व्हीलर की कैटेगरी है इसमें कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं कौन कौन सी कंपनीज़ हैं इसका एक ब्रीफ आइडिया ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये हमने अमृत वेबसाइट से डाउनलोड की है तो अगर आप अमृत डॉट कॉम पर जाएंगे uh, तो वहाँ पर आपको ये डाटा uh, आपको मिल जाएगा ओके okay? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक यहाँ पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के कौन कौन से ब्रांड्स हैं ये हमें पता चल जाता है तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में एम्पियर व्हीकल्स की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आती है एथर एनर्जी की आती है बजाज ऑटो की आती है हीरो इलेक्ट्रिक की आती है और भी बहुत सारे यहाँ मैन्युफैक्चरर्स हैं ओकिनावा की भी आती है रिवोल्ट की भी आती है टी वी एस की भी आती है अगर नंबर ऑफ मॉडल्स देखें तो सबसे ज़्यादा अप्रूव्ड मॉडल किस पर्टिकुलर कंपनी के हैं तो हीरो इलेक्ट्रिक के हैं जहाँ पर टेन मॉडल्स कंपनी uh, के अप्रूव किए गए हैं अंडर फेम स्कीम इंसेंटिव बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बाद इधर देखें तो ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स हैं जो फेम इंडिया इंसेंटिव स्कीम में अप्रूव्ड हैं उसमें यहाँ ये कंपनीज का नाम और कितने नंबर ऑफ मॉडल्स अप्रूव हुए हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के उसका ये चार्ट है तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो पियागियो व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड तो इसके कितने मॉडल्स अप्रूव्ड हैं नाइन इसके बाद देखिए तो सेवन मॉडल्स अप्रूव्ड हैं ये किसके अप्रूव्ड हैं महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के केूव के अप्रूव्ड हैं और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं लाइक स्कूटर्स इंडिया के भी कुछ मॉडल्स अप्रूव्ड हैं इसी तरह और भी जी मोटर्स हैं यूलर मोटर्स हैं अतुल ऑटो है इनके भी कुछ मॉडल्स अंडर फेम इंडिया स्कीम अप्रूव्ड हैं फोर व्हीलर की बात करें तो फोर व्हीलर में टाटा मोटर्स के इलेवन मॉडल्स अप्रूव्ड है महिंद्रा एंड महिंद्रा के एट मॉडल्स अप्रूव्ड हैं अल्टीग्रीन प्रोपल्सल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड इसके फोर मॉडल्स फेम इंडिया स्कीम में अप्रूव्ड हैं फेम इंडिया स्कीम क्या है ये भी हम लोग देखेंगे सेंट्रल <coughs> गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं ये हम लोग वन बाय वन देखते हैं सबसे पहले फेम इंडिया इनिशिएटिव वेरी फेमस और ये टर्म्स मैं बार बार यूज़ कर रहा था सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफ एम ई फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम ओके तो व्हाट आर इट्स की ऑब्जेक्टिव सो इट्स फर्स्ट की ऑब्जेक्टिव इज टू एनकरेज ई वी इसका मतलब है कि सब्सिडी प्रोवाइड करके मतलब एज ए बायर अगर मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदनी है तो मुझे अगर लेस प्राइस पर ई मिलेगा तो मैं ई के लिए जाऊँगा इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्रोवाइड करे सब्सिडी प्रोवाइड करे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये और सस्ता हो सकता है कब हो सकता है जब इसका ओरिजिनल प्राइस कम रहे सो so दैट कि जब इस पर सब्सिडी लगाया जाए तो इसकी प्राइस और कम हो जाए अच्छा ओरिजिनल प्राइस कम कब होगी जब सरकार इन कंपनीज़ को इंसेंटिव देगी ठीक है तो Encourage to encourage EV adoption, reduce the upfront cost of electric vehicles through subsidies. Next, had to develop charging infrastructure. अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके तो इसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा इंडिया में अभी चार्जिंग के स्टेशनस कम हैं बट धीरे धीरे जो नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन हैं ये इंक्रीज़ हो रहे हैं आप गूगल मैप पर भी सर्च करके अपने आसपास के एरिया में देख सकते हैं कि कितने किलोमीटर के रेंज में कितने चार्जिंग स्टेशन हैं टू तो प्रोमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर दिस सपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई एंड दियर कॉम्पोनेंट्स अगर ईवीज़ को बनाना है तो उसकी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो इसमें जो कॉम्पोनेट्स यूज़ किए जाते हैं वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो अगर ये सारी चीज़ इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगेंगी तो नो no डाउट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्राइस है अब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है या फिर इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर है सबका प्राइस कम होगा टू रिड्यूस पॉल्यूशन और फाइनली पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है तो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन लोएस्ट होता है और अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल होता है ओके <coughs> okay, अब इसमें दो स्कीम्स अभी तक लॉन्च की गई हैं फेम वन स्कीम ये कब लॉन्च की गई थी अप्रैल 2015 में और ये फाइव इयर्स के लिए लॉन्च की गई थी और इसके बाद फेम टू स्कीम आई फेम टू स्कीम बाद लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 2019 और ये कब कंप्लीट हो गई 31st ऑफ मार्च 2024 में मतलब इसी साल 31st मार्च में फेम टू स्कीम कंप्लीट हो गई और फेम टू स्कीम में सरकार सरकार क्या प्रोवाइड करती है सब्सिडी जब सब्सिडी आपको अलग से अप्लाई नहीं करना होता है सब्सिडी लग करके प्राइस के साथ आती है मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है जो मैन्युफैक्चरर ने या कंपनी ने लगा रखा है उसमें जो है सब्सिडी लाइक टेन थाउजेंड या फिफ्टीन थाउजेंड सब्सिडी है उसके अमाउंट को डिडक्ट कर दीजिए फिर जो प्राइस आएगी वो आपको पे करना पड़ता है तो इसीलिए क्योंकि फेम टू स्कीम कंप्लीट हो चुका है तो अभी जो भी आ, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदना चाह रहे हैं वो फेम थ्री स्कीम का वेट कर रहे हैं क्योंकि फेम थ्री स्कीम में दोस्तों वापस से क्या मिलेगी सब्सिडी तो जितने भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हैं थ्री व्हीलर हैं या फोर व्हीलर्स हैं इसके प्राइस क्या होंगे कम हो जाएंगे तो एज ए बायर वो प्रोडक्ट या इलेक्ट्रिक व्हीकल मुझे क्या पड़ेगा सस्ता पड़ेगा तो मैं ख़रीदना चाहूँगा ओके फेम थ्री विल बी अनाउंस्ड इन नीयर फ्यूचर ओके इसके बाद और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इनकम टैक्स बेनिफिट आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई भी वर्धन खरीदते हैं कोई भी टाइप खरीदते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकिल का फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था उसमें आपको टाइप्स भी बताए थे लाइक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकिल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकिल प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकिल आप किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक व्हीकिल ख़रीदते हैं तो आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है क्शन एट्टी ई बी इंडिविजुअल्स कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ अप टू रुपीज वन पॉइंट फाइव लैक्स ऑन द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टेकन फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए आपने सपोज लोन लिया तो अगर आप लोन लेंगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा ई एम आई ई में दो पार्ट होता है प्रिंसिपल पार्ट एंड इंटरेस्ट पार्ट तो जो पार्ट आप एज एन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा और ये डिडक्शन किस वैल्यू तक मिलेगा पर ईयर 1.5 पॉइंट फाइव लैक्स रुपीज़ दूसरा जीएसटी रिडक्शन द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन ई हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम ट्वेल्व टू फाइव मतलब पहले जो जी था वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कितना था 12 परसेंट था बट अब जी कितना है 5 परसेंट है तो क्योंकि जी प्राइस में इंक्लूड होकर के आता है तो अगर जीएसटी ज़्यादा है तो हमें व्हीकल का प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ता है जो कि पहले होता था 2018-19 में सेम टू व्हीलर या थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर ज़्यादा महंगे होते थे बट वही टू व्हीलर थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाले अब सस्ते हैं पहले के कॉम्पेरिज़न में क्यों क्योंकि सरकार ने जी घटा दी है ट्वेल्व से घटा करके फाइव परसेंट कर दिए द जी ऑन चार्जर्स एंड चार्जिंग स्टेशंस फॉर ई वीज हैज़ बिन from 18% एटीन परसेंट टू फाइव परसेंट ऑनली अब आप यहाँ पर देखिए कि जो चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पर आप जा करके अपने इलेक्ट्रिक व्हीलर को इलेक्ट्रिक व्हीकिल को रिचार्ज करेंगे तो रिचार्ज करेंगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा प्राइस और उसी प्राइस में जी एस टी एड होकर के आता है तो आप जो फी पे करेंगे चार्जिंग स्टेशन पर वो पहले के कॉम्पेरिजन में कम होगा क्योंकि पहले जी एस टी कितना ऐड होता था एटीन परसेंट अब जीएसटी कितना ऐड होगा फाइव परसेंट <coughs> जितने भी स्टेट्स हैं हर एक स्टेट के अपने स्कीम्स होते हैं इनिशिएटिव्स होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोमोट करने के लिए सो दैट की एयर पॉल्यूशन कम हो तो सम स्टेट्स आर गिविंग सब्सिडी कुछ स्टेट्स अपनी सब्सिडी अलग से प्रोवाइड करते हैं अदर देन फेम इंसेंटिव स्कीम बाय और फेम सब्सिडी स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो जो फेम सब्सिडी स्कीम है ये तो प्राइस में डिडक्ट होकर के ही आती है आप जब ख़रीदने जाएंगे सपोज़ फेम थ्री स्कीम चल रही है तो भी जो व्हीकल का प्राइस है उसमें जो फेम थ्री सब्सिडी होगी वो घट करके के जो प्राइस आएगा वो प्राइस आप पे करेंगे और व्हीकल ख़रीदेंगे ठीक है इसके बाद भी सब्सिडी कौन प्रोवाइड करता है स्टेट और स्टेट वाली सब्सिडी लेने के लिए आपको स्टेट के जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा वहाँ जाने के बाद जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्शन है उसमें जाना पड़ेगा फिर उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले पार्ट में जाना पड़ेगा फिर वहाँ पर सब्सिडी आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी होगी और अप्लाई करने के बाद एक बार आपको आर भी विजिट करना पड़ेगा दोस्तों और विजिट करने के बाद वन ईयर अप्रोक्सीमेटली वन ईयर के टेन में आपके अप्लाई करने के बाद वन ईयर के आ, दौरान आपको जो है स्टेट वाली सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है सम स्टेट्स आर वेबिंग ऑफ रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस कुछ स्टेट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन चार्ज को वेब ऑफ कर देते हैं रोड टैक्स को वेब ऑफ कर देते हैं लाइक like रिसेंटली अभी एक दो दिन पहले यूपी गवर्नमेंट ने जितने भी हाइब्रिड व्हीकल्स हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल वे, पर तो पहले से ही रजिस्ट्रेशन चार्जेस वेब ऑफ थे रोड टैक्स भी वेब ऑफ थे अभी आ, एक दो दिन पहले रजिस्ट्रेशन चार्जेस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी वेव ऑफ किए गए हैं सम स्टेट्स आल्सो ऑफर्स इंसेंटिव फॉर सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशन एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ स्टेट्स इंसेंटिव भी प्रोवाइड करते हैं किसको कंपनीज को मैन्युफैक्चरर्स को क्या लगाने के लिए चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन ओके okay. इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द कंट्रीज ईवी मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए सी आर ऑफ फोर्टी नाइन परसेंट बिटवीन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड टू थाउजेंड थर्टी मतलब दो हज़ार बाईस से दो हज़ार तीस के बीच ई वी का जो मार्केट है वो किस स्पीड से ग्रो करेगा फोर्टी नाइन परसेंट की स्पीड से ग्रो करेगा एवरी ईयर एंड दैट दी एनुअल सेल्स ऑफ एवीज इन 2030 थाउजेंड मे क्रॉस वन करोड़ यूनिट्स एनुअल सेल्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं सारे टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर इंक्लूड कर ले टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर सबको इंक्लूड कर ले तो जो एनुअल सेल होगा वो वन करोड़ से ज़्यादा होगा कब 2030 तक लीडिंग टू दी क्रिएशन ऑफ फाइव करोड़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब बाई टू इतने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकेंगे तो रिलेटेड चार्जिंग स्टेशन डेवलप किए जाएंगे आ, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज़ इस फील्ड में आ रहे हैं तो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे डायरेक्टली भी क्रिएट होंगे इनडायरेक्टली भी क्रिएट होंगे तो 2030 तक कितने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं फाइव करोड़ दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर ओके तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल फील्ड में आना चाहते हैं या ई सेक्टर में एंटर होना चाहते हैं तो आपको ऐसे कोर्सेज जरूर करने चाहिए सो so दैट आप का फ्यूचर ब्राइट होगा और आपकी डिमांड ज्यादा होगी ई सेल्स पेनिट्रेशन ऑफ 30% परसेंट ऑफ प्राइवेट कार्स 70% परसेंट ऑफ कॉमर्शियल कार्स 40% परसेंट ऑफ बसेज एंड 80% परसेंट ऑफ टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर बाय 2030 तो 2030 तक जो सेल्स का पेनिट्रेशन है ईवी सेल्स का पेनिट्रेशन है ये टोटल सेल्स का 30% परसेंट होगा प्राइवेट कार कैटेगरी में 70% परसेंट होगा कॉमर्शियल कार कैटेगरी में 40% परसेंट होगा इलेक्ट्रिक बसेस में और 80% परसेंट होगा टू और थ्री व्हीलर कैटेगरी में अच्छा जो मैंने आपको बताया कि आखिर आपको ऐसे कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए सो so दैट कि आपकी डिमांड बढ़े और आपको ऑफर्स आए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्यूफैक्चर कंपनीज से ओके तो आप अगर इंजीनियर हैं तो आपको कुछ एमटेक वाले कोर्सेज़ में सजेस्ट करूंगा हर एक ब्रांच के लिए लाइक like, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपको एमटेक करना चाहिए पा इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर आपको एमटेक करना चाहिए सिस्टम एंड कंट्रोल या फिर कहीं कहीं कुछ आई आई टीज आई टीज़ में ये कंट्रोल एंड ऑटोमेशन के नाम से भी होता है तो अगर आपको ई सेक्टर में एंट्री लेनी है और आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एमटेक की है ओके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने कर रखी है तो आपको एमटेक करना चाहिए या तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर सिस्टम एंड कंट्रोल से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और आपको एमटेक के कोर्सेज करने हैं ईवी सेक्टर में एंट्री के लिए तो आपको एम्बेडेड सिस्टम्स में एम करना चाहिए या फिर आपको एम इन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स में करना चाहिए क्योंकि जब आप ऐसे एम टेक करेंगे तो आपको मैट लैब यूज़ करना आएगा कैड सॉफ़्टवेयर यूज़ करना आएगा और आपको जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है लाइक वेरी लॉग है उसको यूज़ करना आएगा और ऐसे टूल्स की डिमांड है ई सेक्टर में कंप्यूटर साइंस के अगर आप इंजीनियर uh, है तो आपको एम टेक करना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में <coughs> और अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपको एम टेक करना चाहिए थर्मल इंजीनियरिंग में या फिर आपको एम टेक करना चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में या फिर आपको एम टेक करना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इसी तरह कुछ कोर्सेज हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी हैं अगर आप ये कोर्सेज भी करते हैं तो भी आप ई सेक्टर में एंट्री ले सकते हैं दोस्तों इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज का मतलब है कोई भी इंजीनियर किसी भी ब्रांच का एक अच्छा गेट स्कोर लाने के बाद इन कोर्सेज को कर सकता है लाइक एम टेक इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या फिर आपको एम टेक करना चाहिए एनर्जी स्टडीज़ में या फिर आपको एम टेक करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी में याद रखें ये जो कोर्सेज़ हैं ये इंटर डिसिप्लिनरी मॉड्यूल है इंटर कोर्स हैं मतलब आप इलेक्ट्रिकल के मैकेनिकल के कंप्यूटर साइंस के किसी भी ब्रांच के इंजीनियर हैं तो आप इनसे एम कर सकते हैं और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में एंट्री ले सकते हैं बट अगर आपको एम के ऐसे कोर्सेज करने हैं तो आपको आई आई या फिर किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहिए और ये तब पॉसिबल है जब आप गेट का एग्जाम देंगे और गेट में एक अच्छा परसेंटाइज लेकर के आएंगे एक अच्छा स्कोर लेकर के आएंगे तो गेट 2025 ये कब होगा 2025 के फेब में होगा और अगर आपको 2025 के गेट में एक अच्छा स्कोर लाना है तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा प्रिपरेशन करना होगा जी जान से तैयारी करनी होगी और इसके लिए क्या जरूरी है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए जाएँ जहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज़ ऑफलाइन कोर्सेज़ बड़े अच्छे लेवल के होते हैं जहाँ हर एक सब्जेक्ट डिटेल में कम्प्लीट किया जाता है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को करके या फिर जो आ, पी हैं गेट के पी वाई हैं जो सॉल्व कराए जाते हैं जहाँ फैकल्टी का सपोर्ट ज़्यादा हो जहाँ पर रिनोन फैकल्टीज़ हो एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हो और जहाँ पर हर एक फ़ैकल्टी सपोर्ट करता हो अपने स्टूडेंट्स को उनके डाउट्स को क्लियर करने में ओके तो मे के ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हैं ऑफ़लाइन कोर्सेज़ भी हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी आपका बेस बहुत अच्छा है आपका टेक्निकल नॉलेज काफ़ी अच्छा है आप न्यूमरिकली एक्सपर्ट हैं काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो रैंक इम्प्रूवमेंट जैसा एक शॉर्ट कोर्स है जिसको आप कर सकते हैं सो दैट कि कम टाइम में आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर लें अगर आप न्यूमरिकली ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है आपके बेसिक्स इंजीनियरिंग के स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आपको जो रेगुलर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोर्सेज़ हैं वो आपको करने चाहिए जिनका टेन थोड़ा ज़्यादा होता है सेवन टू एट मंथ्स का होता है ओके आप ऐसे कोर्सेज को करने के बाद जब आप गेट 2025 देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और दोस्तों अगर अच्छा स्कोर लाएंगे तो जो एम के कोर्सेज मैंने आपको बताया उससे आप एम कर सकते हैं उससे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में एंट्री ले सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनाना चाहिए